press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए नाज़िया लाई खान जी का दमदार और धमाकेदार इंटरव्यू लेकर आए हैं, जो कि उन्होंने दिया है भारत के मशहूर चैनल इंडिया डेली लाइव को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें नाज़िया लाई खान जी शांति दूतों के मजहब की जम के पोल खोलेंगी और आपको असली मतलब समझाएंगी जिहाद का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इंडिया डेली लाइव को, तो आप उनके भी चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिस इस्लाम में जेर जबर को करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है, जिस इस्लाम में नुक्ता और तशदीद और पेश को करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है, अगर वो कुरान काफिरों को मारने की बात कर रहा है तो वॉयलेंस ही फैला रहा है ना। अगर वो अल कुरान जिहाद के नाम पर किसी गैर धर्म की औरत को बलात्कार करने की बात कर रहा है तो वॉयलेंस ही फैला रहा है ना। इस्लाम कभी नहीं, और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे छुड़वा दे। एक फतवा तो जारी करे, फिर मैं बताऊंगी कि मैं उन लोगों के मिर्च लगाती रहेंगी आप। मैं तो सच बोलती हूँ, अब उनको मिर्ची लगती है तो मैं क्या करूं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर सुन्नते रसूल में गालियां गंदी गंदी नहीं आती तो क्या मुसलमान मर्द गंदी गंदी गालियां देते? नहीं देते। अगर सुन्नते रसूल में ये मना होता, ये गुना होता कि औरत को गंदी गालियां मत दो, तो वो भी नहीं देते, क्योंकि सुन्नते रसूल में आता होगा तभी इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, नहीं तो नहीं देते। अब हमारा इस्लाम कहता है पांच वक्त नमाज पढ़, हज कर, रोजा रखो, आपका जजिया, उसके बाद फिर फितरा, जकात, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे सुन्नत में भी आती हैं, फर्ज में भी आती हैं, तो हम वो करते हैं ना। नफिल रोजा क्या है कि रखो, रखने का मन है रखो, नहीं रखने का मन है मत रखो, क्योंकि वो नफिल है। लेकिन जो फर्ज में आता है वो हमें करना ही पड़ता है। हज, रोजा, नमाज, जकात, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। अब सड़क पर बैठ करके जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर उसको प्रशासन मना करता है तो ये लोग क्या बोलते हैं कि इस्लाम का काम हमें करने नहीं दिया जा रहा है। अब अगर आप या मैं आपके घर की बहू बेटियों को या मुझे अगर गंदी गंदी गालियां मुसलमान दे रहा है तो मतलब है कि सुन्नत रसूल है तभी दे रहा है, इस्लाम का हक अदा कर रहा है। अब फलस्तीन और हमास, आपके इसराइल की बहू बेटियों का किस को निर्वस्त्र किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और क्या कहकर उतारा गया, नारे तकबीर अल्लाह को। हम अल्लाह हू अकबर तब बोलते हैं जब हम नमाज का तहलीमा बांधते, हम अपनी नियत करने के बाद नमाज का तहलीमा बांधते हैं तब अल्लाह हू अकबर बोलते हैं। तो अल्लाह हू अकबर के नारे पर अगर आप इसराइल की बहू बेटियों को नंगा करके आप उसको निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुन्नत रसूल है बलात्कार करना। तभी नासिर खान भी कर रहा है, आफ्ताब भी कर रहा है, श्रद्धा की बोटियां भी हो रही हैं, सुजर जॉर्डन का बलात्कार भी हो रहा है, और तकरीबन लाखों हजारों केसेस हैं जो लव जिहाद के केसेस हैं। और अभी हालिया में जो कांग्रेस, देखिए, हमेशा सिखाती थी कि लव जिहाद बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है, यही सुनते आए हम 53 साल से। कांग्रेस यही बताती थी कि बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है लव जिहाद। तो भाई कांग्रेस के नेता के बेटी नेहा का फयाज ने काहे को गोटी कर दिया, काहे को चाकू गोद गोद करके मार दिया। अब वो नेता कांग्रेस का बोल रहा है नहीं नहीं लव जिहाद होता है, नहीं नहीं लव जिहाद होता है भैया, ये सत्य है, ये कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस और ये बीजेपी और आरएसएस का। जी मैं जिहाद पर ही आ रहा था। जिहाद को लेकर अलग अलग विचारधाराएं इस समय बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है और उसमें वोट जिहाद शब्द भी शामिल हो गया है। क्या जिहाद पवित्र शब्द था, उसको बदल दिया गया, उसका कॉन्सेप्ट बदल दिया गया कुछ सियासी लोगों ने, या फिर जिहाद का कॉन्सेप्ट शुरू से ही इस तरह का हिंसक है? देखिए, हमारे अल कुरान में जिहाद का दो मतलब है, एक जिहाद होली वॉर है और एक जिहाद है कि अपने अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ जो हम जंग लड़ते हैं उसको भी जिहाद कहा जाता है। जैसे मैं कॉफी बहुत पीती हूँ और मेरे शरीर के लिए वो नुकसानदायक अगर साबित होता है तो मुझे जिहाद करना पड़े, नहीं अब मैं दिन भर में सिर्फ 2 बार कॉफी पी।
अगर कोई मुसलमान, जैसे ज्यादातर मुसलमान लड़के जो है वो पब डिस्को क्लब जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स या रिपोर्ट निकाल करके देखिएगा, रमजान के वक्त में पब क्लब डिस्को का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि अभी रमजान चल रहा है ना, क्योंकि मुसलमान लड़के सबसे ज्यादा जाते हैं, तो जो लड़के इस्लाम की तरफ राकेब हो जाते हैं वो जिहाद करते हैं कि नहीं अब हम पब क्लब डिस्को नहीं जाएंगे। लेकिन जिहाद का एक अर्थ ये निकलता है अल कुरान के हिसाब से, और दूसरा अर्थ निकलता है काफिरों को मारने का, काफिरों को खत्म करने का। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने अल कुरान नहीं पढ़ा है, और जो लोग देखेंगे वो सोचेंगे भाई प्रियांक को नाजिया ने जो समझा दिया, प्रियांक तो भाई सोचा कि हाँ सच बोल रही है। देखिए कुरान पढ़ के बैठता हूँ नाजिया जी, अल कुरान थोड़ी बहुत पढ़ के बैठा हूँ, हाँ ये दावा नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर की बहू बेटियों को भी पढ़ाएं ताकि सच समझ में आ जाए। अब मैं आपके व्यूअर्स के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 कुरान की आयतों से मैं रूबरू कराना चाहती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिहाद का मतलब क्या है। ठीक है, कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, स्ले द अनबिलीवर्स वेयर एवर यू फाइंड देम। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडल्स एज फ्रेंड। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुरान सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33, क्यूरिसिफाई इनफिडल्स इफ दे क्रिटिसाइज इस्लाम। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 12, टेरराइज एंड बी हेड दोज हु बिलीव इन स्क्रिप्चर्स अदर देन कुरान। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60, मुस्लिम मस्ट मस्टर ऑल वेपन टू टेररराइज द इनफिडल्स। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65, द अनबिलीवर आर स्टूपिड, अर्ज द मुस्लिम्स टू फाइट देम। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइजेस किल्ड द इनफिडल्स वेयर एवर यू कैच देम। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 30, द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस आर परवर्ट, फाइट देम। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123, मेक वॉर अगेंस्ट द इनफिडल्स लिविंग इन योर नेबरहुड, लिविंग इन योर नेबरहुड। कुरान सूरा नंबर 22 आयत नंबर 19, पनिश द अनबिलीवर्स विद गारमेंट्स ऑफ फायर, हुक्ड आयरन रॉड, बॉइल वाटर, मेल्ट देम। कुरान सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4, डू नॉट हैंकर फॉर पीस विद द इनफिडल्स, बीहेड देम व्हेनेवर यू कैच देम। ठीक है नाजिया जी, लेकिन आपने तमाम आयतें गिनाई, लेकिन शुरुआत में ये बात भी कही कि कुरान का वक्त बदलते वक्त के साथ कुरान में बदलाव कर दिया गया, उस आसमानी किताब में बदलाव कर दिया गया, यानी कि आपने ही ये कहा नाजिया जी, अभी शुरुआत में आपने कहा कि कुरान में काफी बदलाव हो गए बदलते वक्त। मैं इसको और अच्छे से विस्तार में आपको बता दूं, तौरात जबूर बाइबल इंजील जब आया तो वो रिफॉर्म होता हुआ आया, पर कुरान अब तक रिफॉर्म नहीं हुआ है। हमारे 5 अल्हामी किताबें हैं, तौरात जबूर बाइबल इंजील, और तब अंत में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अल कुरान आया। ठीक है, 28वें रमजान में हमारा शबे मिराज की रात थी, उस वक्त ये आसमान से नाजिल हुआ, पर इसका रिफॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि अल्लाह तबारक ताला जब 4 अल्हामी किताबों को रिफॉर्म कर सकते हैं, तो ये 5वीं अल्हामी किताब अल कुरान को भी रिफॉर्म किया जा सकता है रिसर्च में डालकर। नाजिया के लिए अल्लाह या श्री राम में एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे जी? अल्लाह या श्री राम में नाजिया को एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? ये दोनों मेरे लिए बराबर है, दोनों। मैं मुसल्ला बिछा करके नमाज जब पढ़ती हूँ तो सिर्फ अल्लाह के सामने, मैं तो किसी मुल्ला उल्ला को नहीं मानती, मैं दलाल समझती हूँ। आपका पिछले एक साल के तमाम वीडियोस अगर खंगाले जाएं, कहीं पर भी नाजिया इलाही अल्लाहु अकबर बोलती हुई नहीं नजर आई, हर जगह हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा ही सुनाई दिया। देखिए मेरा इस्लाम तो मेरे घर के अंदर है, बिल्कुल मेरे घर के अंदर है, और मेरी जो परवरिश है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परवरिश है। हमारे घर में होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, पटाखे भी फोड़े जाते हैं, शबे कदर भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है।
और मेरे नजर में, मैं जब जब रमजान में रामनवमी मना लेती हूँ तो इसके बाद कौन मेरे ऊपर क्या सवाल करेगा। मैं तो मस्त रामनवमी मनाती हूँ रमजान में, रोजा रख करके, रोजा रख कर। कभी कभी अल्लाह अकबर भी बोल दिया करो क्योंकि आप इस्लाम में। देखिए जिस दिन इस्लाम अल कुरान का रिफॉर्मेशन हो जाएगा उस दिन जरूर बोलूंगी और पूरी शिद्दत के साथ बोलूंगी, पर जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को बदशकल कर दिया है, जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को बदनुमा बना दिया है, जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को बलात्कार का जरिया बना दिया है, जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को औरतों का सलवार खोलने का एक बदशकल चेहरा बना दिया है, जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने गला रेतने का इस्लाम को एक तरीका बना दिया है, मैं अभी तो नहीं बोलूंगी, मैं अपने घर के अंदर बोलूंगी, मुसल्ला बिछाऊंगी, नमाज पढ़ूंगी, लेकिन बाहर तो नहीं, पता ही नहीं बोलूंगी, कोई मुझे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहले बात करें भारत और ईरान के बीच में हुई डील के बारे में, जिससे अमेरिका बहादुर काफी ज्यादा चिढ़ गया, पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और दूसरी ओर आपने देखा साजिद तारा साहब ने खुद कबूला कि भारत पाकिस्तान से कम 100 साल आगे है और ट्रेड की जरूरत पाकिस्तान को है ना कि भारत को। और आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके करेक्टर के बारे में, और जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कुछ पाकिस्तानी और खासकर पाकिस्तानी मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री और भारत की तारीफ कर रहे हैं, वैसे ही साजिद तारा साहब ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को नेशनलिज्म दिया यानी कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट मजेदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।